हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मानिका हिमाचल में। तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल जो कि हर एज ग्रुप के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। तो आज हम यूज करने वाले हैं थर्माकोल, जो कि हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो कि पैकेजिंग में या फिर आप पार्सल मंगाते हैं तो आपको मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, तो हमारे घर में काफी पड़े होते हैं। तो आज इनको यूज करके और थर्माकोल के साथ साथ कुछ थोड़ी और चीजें ऐड करके बनाते हैं कुछ स्पेशल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राफ बुक में हम एक बेसिक शेप ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ बुक क्यों लेनी जरूरी है आपको आगे पता चलेगा। मैं यहाँ पे ले रही हूँ हार्ट शेप। आप कोई भी शेप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस कंडीशन ये है कि जो उसका बॉटम सरफेस है वो फ्लैट होना चाहिए। अब हम यही शेप को ट्रांसफ़र करेंगे थर्माकोल में एंड कट कर लेंगे। हम इसे कट कर सकते हैं 3 पीसेस या 4 पीसेस, आप चाहे तो 5 पीसेस भी ले सकते हैं, वो आपकी विश है, जितनी भी आप स्टैंड की थिकनेस चाहते हैं। जो सेंटर में थर्माकोल है हम उसको कट करेंगे, उसमें एक होल क्रिएट करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा जो भी आप शेप ले रहे हैं उसका जो टॉप पार्ट है उसको आपको कट करना है। कट करने के बाद हम इसमें फेविकॉल लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से एक दूसरे से स्टिक हो जाए। पहले फर्स्ट लेयर को सेकंड लेयर से कनेक्ट करेंगे एंड देन सेकंड लेयर को फेविकॉल लगाने के बाद थर्ड लेयर से कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप तीनों पीसेस को एक साथ इकट्ठा जोड़ ले, उसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा हैवी वेट रख लीजिएगा ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। एंड अब हम लेंगे एक कंटेनर जिसमें बनाएंगे हम पुट्टी मिक्सचर। सबसे पहले मैं ले रही हूँ वॉल पुट्टी। इतना बड़ा आपका सरफेस है स्टैंड का, उसके अकॉर्डिंग ही आप पुट्टी लेंगे एंड देन उसमें आप फेविकॉल ऐड करेंगे। फेविकॉल जो है अगेन डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट में वॉल पुट्टी लिया है। इसके बाद ऐड करेंगे वाटर। वाटर को ऐड करने का सिंपल सा यही मेथड है, आप थोड़ा थोड़ा ऐड करें, मिक्स करते रहे साथ साथ ताकि आपका ज़्यादा लिक्विडी ना बन जाए एंड ज़्यादा थिक भी ना बने। तो जो मैंने कंसिस्टेंसी ली है वो आप देख सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसको हम ऐड करेंगे जो हमारा स्टैंड का बेस है। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आपसे ये उसी टाइम पे स्ट्रेट नहीं आ रहा है या स्मूथ नहीं बन रहा, दैट्स ओके, हम इसको बाद में फिनिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम अदर टूल। टॉप एंड बॉटम के लिए हम इसे किसी एक गिलास के ऊपर रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी पेपर पे रखा है पर बाद में मैंने एक गिलास पे रख दिया था। एंड एक दिन के लिए हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे एंड नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं ये प्रॉपर सूख चुका है। अब हम ये ले रहे हैं सैंड पेपर, इससे हम प्रॉपर इसकी सैंडिंग करेंगे ताकि जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। एंड आप रियलाइज़ करोगे कि बिल्कुल स्मूथ तो नहीं पर काफ़ी ज़्यादा हद तक हो जाएगा। एंड आई ट्रूली फील कि जो हैंडमेड की ब्यूटी है वो उसके इम्परफेक्शंस में ही होती है। बस इसका सरफेस इतना स्मूथ कर लेंगे ताकि हम इस पर अच्छे से पेंट कर पाए। एंड थोड़ी सी सैंडिंग के बाद आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में। ये स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद जो हमने ग्राफ पहले लिया था उसी पे हम मार्किंग करेंगे। 1-1 इंच के बाद हम लाइंस ऐड करेंगे एंड इसी मार्किंग को अब आपको स्टैंड पे ट्रांसफ़र करना है। द हेल्प ऑफ स्केल हम लाइंस ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। एक एडवाइस ये है कि आप सेंटर से पहले लाइन लगाना स्टार्ट कीजिए, अगर आप एक साइड से ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो गलती हो सकती है। तो अब हम एक पिंटरेस्टी सा पेंट करने वाले हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैंने वाइट एंड रेड को मिक्स करके पिंक कलर बना के अल्टरनेटिव बॉक्सेस में हम इस पिंक कलर को करेंगे। पिंक कलर करते हुए अगर लाइंस आपकी बाहर चले जाए तो उसमें भी कोई स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाद में हम जो अल्टरनेट इनसे बच जाते हैं बॉक्सेस उन पर वाइट कलर करेंगे।
इस स्टैंड को थोड़ा और एस्थेटिक बनाने के लिए मैं छोटे छोटे स्मॉल हार्ट्स ऐड करने वाली हूँ सारे पिंक बॉक्सेस में। ही रेडी है हमारा स्पेशल स्टैंड। इसे चाहे आप अपने ब्रशेस को रखने में यूज़ कीजिए या फिर घर में किसी होम डेकोर या फिर फ्लावर को रखने के लिए। ये आज की वीडियो, आई होप आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, जाके अभी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।